भाई मंदिर वंदिर आपको सब दिखाया, कितना प्यारा लगा। तो एक बार रिव्यू जरा मम्मी से भाई सबसे पूछ लेते हैं, मम्मी कैसा लगा रिव्यू? बहुत ही बढ़िया। तो भाई माँ वैष्णो देवी धाम आ गए, तो चलते हैं इसके अंदर, दिखाते हैं आपको। और सामने मूर्ति देखो कितनी बड़ी है भाई। चप्पलों के लिए लॉकर बना रखा है, लॉकर में रखते हैं। तो भाई चल रहे हैं अंदर, सैनिटाइजर मशीन दे रखी है, सैनिटाइज करते हैं हाथ, उसके बाद चलते हैं। तो भाई देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है मूर्ति। तो भाई जेंट्स अलग है, लेडीज अलग है, तो चलते हैं अंदर भाई, चलते हैं ऊपर। माता रानी की मूर्ति पास आ रही है भाई, देखो क्या मस्त लग रही है। और वहां पे वो देखो झरना भी आ रहा है। तो सत्यम भाई कैसा लगा? अरे बिल्कुल भाई आनंद, इतना क्या कहते हैं गर्मी में सोचा था उतना तो लेकिन यार ज्यादा गर्मी है नहीं, मगर क्या किया। हाँ जी अंकल जी, अंदर नीचे गुफा है। हाँ वो भी नीचे बात वो भी नीचे शायद आगे से जाएंगे ना, मगर कुछ देखो भाई मजा मस्त है एकदम, मकान है बस थोड़ी बहुत भाई। कसम से बाहर तो हवा भी नहीं चल रही थी, यहाँ तो आप पेड़ पौधे देखो क्या हवा चल रही है, कुछ मस्त जगह हैगी। और माता की मूर्ति तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया है, क्या आता है झरना ऊपर से आ रहा है, ये बड़ा प्यारा है भाई। यह है तो बहुत बड़ा, अभी वहाँ से गुफा है, वहाँ से फिर हम ऊपर जाएंगे। भाई देखो झरना वगैरह कितना प्यारा आ रहा है, ये अंदर मंदिर है। अभी चलते हैं पूरा दिखाते हैं, फिर ये देखो ऊपर, इधर हनुमान जी इधर माता रानी, बहुत प्यारी लग रही है। अभी अंदर मंदिर का भी दिखाऊंगा, अगर अंदर होगी तो। ये अंदर की आर्ट गैलरी देखो, देखो ये सब कुछ माता रानी की शायद जो मूर्ति वगैरह बनी है। ये देखो ये पूरी माता रानी वगैरह जो उसे बनी है पूरा दिखा रखा है। ये पूरा ऐसे बना है, बाकी जो बाहर डिजाइन था वो ये अंदर आ गई है, इसका डमी पीस है जैसे बाहर बनाना था इनको। भाई अंदर को देख सकते हो कितना प्यारा है भाई, अभी एक एक चीज दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज। पहले चलते हैं यहाँ से भाई, कितना प्यारा है पूरा वाइट और साथ में मूर्तियाँ। अरे ये माता रानी की मूर्ति कितनी प्यारी है, भाई देख सकते हो एक एक चीज आपको दिखाते भी चलूंगा। बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियां हैं,
ऐसे गोल राउंड लगाएंगे। ऐसे तो यहाँ वृंदावन में बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत कुछ। भाई मंदिर मंदिर आपको सब दिखाया, कितना प्यारा लगा। तो एक बार रिव्यू जरा मम्मी देखते हैं भाई, मम्मी दर्शन करके कैसा लगा जरा बताना। बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, खूब सुकून मिला। सत्यम भाई भाई मन की तृप्ति हो गई यहाँ पे आके। मैं तो वैसे भी धामों में घूमने में बहुत विश्वास रखता हूँ, बस ये है मुझे तो चाहता हूँ कि माता रानी और सारे भगवान मुझे बुलाते रहे, बस ऐसी बस मेरी कृपा बढ़ती रहे, मैं कमाऊंगी खूब और उड़ाऊंगी खूब, बाकी खाली बस ट्रैवलिंग में। और मैं माता रानी का दर्शन करने आता हूँ भाई, मेरा तो ये है। तो चलो गुफा आ चुकी है, गुफा में चलते हैं। अरे इधर से एग्जिट है, उधर से एंट्री है, तो उधर से चलते हैं और गुफा में देखते हैं क्या सीन रहता है। मस्त होगी गुफा के अंदर भी, जब बाहर इतना मस्त होगा अंदर कितना मस्त होगा। भाई चलो चलते हैं, देखो पूरे पानी पानी है ये। भाई देखो पूरे में पानी पानी है ये, और ये देखो हम मंदिर आना चालू हो, कितना प्यारा लग रहा है। भाई देखो स्क्रीनशॉट ले लें जिसको पढ़ना हो। भाई माता रानी देखो, ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो भाई माता रानी के देखो कितनी करीब आ गए। भाई यहाँ से एक तो व्यू, दूसरा हवा कितनी मस्त आ रही है। हवा निकल गई ना, पीछे को जाओ बेटा, अब तो गया देख। चलते आ रहे हैं भाई, हवा कसम से कुछ दिक्कत चल रही है, बाल होते हुए दिख रहे होंगे, पेड़ पौधे देखो कितने झिल रहे हैं। और व्यू भी कुछ मस्त है। तो भाई अभी इसी गुफा में से वापस जा रहे हैं। भाई ये वापस चल रहे हम। भाई देखो ये दूसरी तरफ आ गए हम। भाई यहाँ से निकल रहे हैं, और देखो ये वही प्रसाद मिल रहा है जैसे वैष्णो देवी में मिलता है, वही प्रसाद है जैसे वैष्णो देवी में। तो बिल्कुल सेम वैष्णो देवी जैसे ही है, देखो जैसे सामने मूर्ति है, अगर वैष्णो देवी आप नहीं जा पा रहे तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दर्शन कर लो।
यहाँ भी बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, वैष्णो देवी नहीं आ सकते, तो बिल्कुल सेम दर्शन हो रहे हैं। माता रानी की मूर्ति भी है साथ में, ऐसा प्रसाद भी है जो वैष्णो देवी मिलता है। मंदिर बंद करने का टाइम आ गया, मंदिर एक पे ताला लगा दिया, बाकी वो चप्पल उप्पल पहन के चल रहे हैं बाहर। तो मंदिर बहुत जल्दी बंद हो रहा है, प्रेम मंदिर जाने की सोच रहे थे बट वो 3 बजे खुलेगा। भाई बनवा रहे हैं एक गोला, मन कर रहा खाने का, तो बस खाते हैं, बताते हैं कैसा है कैसा नहीं। भाई बस खाते पीते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई अब ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बहुत लंबा व्लॉग हो गया मेरे ख्याल से, 3 सीरीज तो बनेंगी इसकी, बहुत ही लंबा व्लॉग हो गया। फिलहाल इस सीरीज में मज़े आ गए होंगे आपको भी, क्या मस्त था। मुरादाबाद से खाटू श्याम, खाटू श्याम से बालाजी, बालाजी से वृंदावन, क्या मज़े आ गए होंगे। और यहाँ पर तो ये सामने वाला कहते हैं एक वो कृष्ण जी वाला मेन मंदिर जो था, और एक ही है माता वैष्णो देवी धाम, दोनों जगह इतनी मस्त थी, मज़े आ गए दोनों में। अगर अच्छा लगा हो तो यार कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या था कैसे लगा आपको। मैंने आपको घर बैठे बैठे ही खाटू श्याम, बालाजी, वृंदावन सब घुमा दिया, घर बैठे बैठे ही सब कुछ दिखाया और एकदम बढ़िया करके, बड़ी मुश्किलों से दिखाया मुझे पता है। खाटू श्याम के मंदिर के अंदर भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे, फिर भी मैंने बनाई ना, वहाँ पे कहते हैं मैं यहाँ के मेन मंदिर पे बना दे रहे थे, फिर भी मैंने जूम कर करके ब्लॉग निकाली लिया, सीरीज निकाली ली। बस जाने की तैयारी हो रही है घर पे, 3 दिन का टूर निकला, बना के 2 दिन का आए थे, 3 दिन का टूर हो गया। अब बस निकलते हैं घर के लिए, बस अपनी आ चुकी है वो खड़ी बस, अब बस निकलते हैं घर के लिए। तो ये ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, लाइक नहीं करते हो सब्सक्राइब कर देना चैनल बनाए हो तो, साथ में वीडियो पर कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो आपको। तो बस निकलते हैं यहाँ से, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखना, और अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कर देना, और बाय।